अस्सलाम वालेकुम। आज हम शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। मैंने बीफ के शामी कबाब बनाए हैं। इसे मिक्सर में पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगते है शामी कबाब बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं आपके लिए आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे मिक्सर में पीसना नहीं पड़ेगा, बस ये आसान तरीके से बन जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, चिकन में भी ये बनता है। और ये दो आलू मैंने लिए, कच्चे आलू हैं। इसके मैं दो चार टुकड़े कर लूँगी। और चने की दाल मैंने एक कप ली है। आपके पास अगर टाइम है तो आधा घंटा पहले से भिगा सकते हैं। मैंने इसे भिगाया नहीं है, मैं इसे फ़ौरन से बना रही हूँ जल्दी से, तो मैंने इसे भिगाया नहीं है, इसे वॉश कर लिया है। तो ये थोड़ी फैली हुई लग रही है। और मसाले में मैंने लिया है धनिया, ज़ीरा भुना हुआ पाउडर, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्ची, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, सब एक एक चम्मच मैंने लिया है। और एक प्याज ली है मैंने, इसे बारीक काट लिया है। और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने पीस लिया है। इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो हम इस कीमा पहले डाल देंगे, और जो हमने दाल ली थी वो भी डाल देंगे इसमें। आलू के हमने चार टुकड़े कर लिए, ये भी इसमें डाल लेंगे। हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। मसाले भी सब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, हम पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी इसमें थोड़ा ही डालना है। पानी ज़्यादा डालने से फिर ये पकने के बाद में थोड़े लिक्विडी से हो जाते हैं, फिर उसका पानी हमको सुखाना पड़ता है। तो पानी इसमें थोड़ा ही डालेंगे हम। और ये बीफ का है तो हम इसमें चार पाँच सीटी लेंगे, अगर चिकन का है तो उसमें दो सीटी में ही ये गल जाएगा। ये देखिए मैंने अभी कुकर का ढक्कन खोल दिया है, तो मेरे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी इसे मैं अच्छी तरह से, अगर आपके पास दाल घोटनी है तो आप उससे भी घोट सकते हैं, मैंने इसे चम्मच से ही घोटा है। इसे अच्छी तरह से घोटेंगे, ऐसे ही हमारी दाल भी इसी में सब मैश हो जाएंगी, कीमा भी और आलू भी। मिक्सर में पीसने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं मैश हो रहा है तो आप मिक्सर में पीस सकते हैं इसे, लेकिन मेरा तो अच्छी तरह से हो गया था। और मेरा इसमें देखिए नीचे पानी भी सूख चुका है। अगर आपको लग रहा है तो आप इसे स्लो फ्लेम पर रख के ही इसे अच्छी तरह से घोटेंगे तो ये पूरा मैश हो जाएगा। ये देखिए मेरा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। दाल घोटनी से भी आप घोटेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मेरा चम्मच से ही हो गया था तो मैंने बस इसे ही कर लिया था। अब इसे मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। देखिए अच्छी तरह से हो गया, ये घुट चुका है पूरा। मैंने निकाल लिया दूसरे बर्तन में। अब इसमें ये देखिए एकदम अच्छे से पेस्ट बन गया पूरा ये। अब इसमें मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया और एक प्याज बारीक काटी है मैंने, सब इसमें डाल दूँगी। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर मिक्स करके हम फ्रिज में रखेंगे तो थोड़े अच्छे हार्ड हो जाते हैं ये। थोड़ा इसमें अगर पानी वगैरह थोड़ा गीलापन लग रहा है तो वो भी ठंडक से सूख जाएगा। मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। अब इसके मैं कबाब बना लूँगी। कबाब मैं थोड़े पतले ही बनाऊँगी, अगर आप मोटे बनाना चाहते हो तो मोटे बना सकते हैं। मैंने ये देखिए कबाब थोड़े पतले ही बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो फ्राई होने के बाद में अंदर से थोड़े कच्चे कच्चे से लगते हैं, तो मैंने पतले ही बनाए हैं। और ये तीन अंडे मैंने ले लिए हैं। इसमें मैं ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ा सी ऑयल डालूँगी और इसे भी अच्छी तरह से फेंटना है। ऑयल डालने से इसमें जब हम कबाब को फ्राई करते हैं तो थोड़े रेशे से, अंडे के थोड़े रेशे से लगते हैं, तो थोड़े अच्छे दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। बस अंडे को अच्छी तरह से और ज़्यादा फेंटना, ताकि उसमें अच्छे झाग आना चाहिए अंडे में। मैंने ऑयल फ्राई पैन में गरम कर लिया, इसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा शेलो फ्राई करेंगे। बस अभी अंडे में डुबा के मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। आप इस तरह से बना के देखिए। और ये रमज़ान के महीने में तो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। अगर
आप इस तरह से बनाएंगे तो पीसने की झंझट नहीं रहेंगी, कुछ नहीं, क्योंकि रोज़े में अक्सर लोगों को थोड़ा बेजार आता है ये सब करने के लिए, तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे रमज़ान में ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए थोड़े से रेशे भी आए हैं अंडे के, कटलेट्स वगैरह में भी इस तरह से अंडा फेंट के फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है उसका, खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब इसे मैं पलटा दूंगी, एक एक करके बस इस तरह से पलटाएंगे ताकि तेल उड़े नहीं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे मैं निकाल लूंगी। इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है आपको, और खाने वाले भी आपकी तारीफ करेंगे। बस अभी बाकी के कबाब मैं सारे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये तो मैंने निकाल लिए हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना जी, और कमेंट करके बताना मुझे ये कैसे बने हैं। और ये देखिए अभी सारे कबाब मेरे फ्राई कर दिए मैंने, ये देखिए कबाब मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी पूरे अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखिए अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।